नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। स्वागत है आपका TV20 न्यूज में। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंचायती चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पत्रकारों, रिपोर्टर और क्रिकेटरों को भी मौका दिया है। और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला किया, कहा कि अपराध चरम सीमा पर है, फर्जी नियुक्ति हो रही है, कोई लगाम नहीं है। तो खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव की पहली सूची भी जारी कर दी है। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंचायत चुनाव है, और जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें पंचायत की इकाई आती है। ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, और पंचायतों में विकास कार्य के लिए जो योजनाएं आती हैं उसको अगर सही रूप से जमीन पर उतारा जाए तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प सही मायने में हो सकता है। लेकिन पंचायत की योजनाओं का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, किस तरीके से उसमें बंदरबांट होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी गांव में चले जाइए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। विकास के कार्यों में आप देखते हैं वो हम इस जिला पंचायत के जरिए जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे, वो केजरीवाल मॉडल, वो दिल्ली मॉडल। और ये आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आज 400 कैंडिडेट इस सूची में आए हैं, पहली लिस्ट में आए हैं, वो सारे के सारे मजबूत कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, चुनाव वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स का चयन, जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम लोगों ने किया है, तो इनको जिताने का हर स्तर पे हमारा कार्यकर्ता भी प्रयास करेगा और पूरी पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। तो आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी